जमुआ प्रखंड में प्रथम चरण में होने वाले त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मंगलवार को दूसरे दिन प्रखंड में कुल 35 लोगों ने मुखिया पद के लिए अपने क्षेत्र से नामांकन पत्र दाखिल किया, जिसमें 19 महिला एवं 16 पुरुष शामिल हैं। वहीं प्रखंड क्षेत्र से कुल 137 वार्ड सदस्य ने अपना पर्चा दाखिल किया। अंचलाधिकारी द्वारका बैठा मुखिया पद के लिए बनाए गए सारे कोषांग पर नजर रखे हुए हैं। प्रखंड विकास पदाधिकारी अशोक कुमार वार्ड सदस्य के सारे की विधि व्यवस्था पर पैनी नजर रखे हुए। पंचायत चुनाव नॉमिनेशन को लेकर प्रत्याशी के हुजूम लगी है। इधर पूरा विधि व्यवस्था को शांति बनाए रखने के लिए जमुआ थाना प्रभारी प्रदीप कुमार दास अपने पूरे बल के साथ तैनात दिखे। सभी प्रत्याशी अपने समर्थकों के साथ नॉमिनेशन करवा रहे हैं तो खूब नारेबाजी हो रही है। पहला आपका उद्देश्य क्या रहेगा फिर अभी मुख्य बन गए? बहुत अच्छा।